बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो है ओबीसी का आरक्षण कर्नाटका में लूटा है। कैसे? 930 सीटें थी मेडिकल पीजी की, उसमें से 150 सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जो कि टोटल 16% बनता है। मुसलमानों की 85 जातियां हैं, 85 के 85ों को जो है पिछड़े वर्ग में डाल दिया है, यानी कि ओबीसी का आरक्षण खा गए, छोड़ दीजिए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि जितनी जमीन जो है इस देश में आप, मैं, आपका परिवार, मेरा परिवार, संगीत जी का परिवार, जो वकील साहब है उनका परिवार, जितना भी कमाएगा 55% टू बी प्रिसाइज जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, बचा 45% भैया वक्फ को दे देना, क्योंकि वक्फ को 1995 और 2013 में जो आपने अधिकार दे दिए, 45% वक्फ पे चला जाएगा। हिंदुओं का बच्चा क्या करेगा? भीख मांगेगा सड़क पर बैठकर, हाथ में कटोरा देना चाहते हो आप, यही आपका एजेंडा है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल यही तो था। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, यहां पर वरुण पुरोहित ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, मैं बताता हूं ना बीजेपी ने क्या किया। 2013 में जो एक्ट आपने वक्फ के लिए बनाया था उसमें 123 प्रॉपर्टी जो लुटियंस दिल्ली में दी थी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस पर जांच बिठाई और सब वापस ली जा रही है जो 123 ली थी। तो ये तो हम कर रहे हैं। रही बात आरक्षण की, आपने तेलंगाना में 4% दे दिया, आपने रंगना कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको एड्रेस कर लिया था, उसमें 16% जो है वहां पर आपको आरक्षण देने की जरूरत पड़ गई थी मुसलमानों को, उस पर विचार होने लग गया था। इस देश में दलितों को, ओबीसीज को, एससीज को, एसटीज को, हिंदुओं को क्या करोगे भाई? सड़क पर लाओगे? उनके बच्चों के हाथ में कटोरा देना चाहते हो? 55% भी चाहिए, हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ का वो भी चाहिए, उसको भी मजबूत करेंगे, हमसे बांट कर किसी और को भी दोगे, दो घर में से एक घर भी उनको दोगे, तो हम तो सड़क पर बैठ जाते हैं ना, सारे सारे दलित सड़क पर आ जाते हैं, सारे ओबीसी सड़क पर आ जाते हैं, सारे हिंदू सड़क पर आ जाते हैं, सब मुसलमानों को दे दीजिए। लेकिन अगर यही हाल राजा तो जनता देख रही है। इस देश का जो बेटा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एनडीए ओबीसी के साथ बुरा नहीं होने देंगे।